नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं फॉरेक्स के ऊपर बेस करके एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको राइट साइड में इसका रियल टाइम वैल्यू अपडेट होते हुए दिखाई देगा। XAU USD का ऊपर बेस करके आज का मेरा चार्ट चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर है या बिगिनर है, फॉरेक्स में ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं, तो ये इंडिकेटर काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर होता क्या है, कैसे काम करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का काम होता है, ये मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर कर रहा है एंड ट्रेंड का ऊपर डिपेंड करके ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल दे रहा है, जो कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, एंट्री कहाँ पर लेना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे यहाँ पर आपको देखिए एक ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द सिग्नल। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन का ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड का साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार मेरा सॉफ्टवेयर में सिग्नल आने के बाद भले ही वो स्टॉप लॉस हो जाए या मार्केट गिर जाए, जो भी हो जाए, सिग्नल रिपेंड नहीं होने वाला है, टोटली नॉन रिपेंड ये सिग्नल आपका सामने ये बन रहा है। अब जब भी कोई सिग्नल बनेगा, आपका स्क्रीन का ऊपर पॉपअप आएगा। अब आपको देखना है जो ये सिग्नल कितना ऑथेंटिकेट है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा सिग्नल बनता है जिसमें से कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो इस कॉल में आपको क्या क्या चीज़ देखना है, जैसे मिडिल में आपको कुछ वायलेट टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेंड कैंडल, और मिडिल में आपको एक लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होकर ऊपर जा रहा है। तो अगर ये दो कंडीशन मैच होता है तो ही जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रांग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। जैसे ये जो बाय का कॉल आप देख रहे हैं, ये कल का कॉल था। मैं बेसिकली 15 मिनट का टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। आप कोई भी टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं, बट 15 मिनट थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, 30 मिनट, 1 आवर या H4 काफ़ी अच्छा है। तो ये कल का बाइंग का पोजिशन है जो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखे गया है। ये जो व्हाइट कलर का वर्टिकली लाइन दिखाई दे रहा है, ये डे सेपरेटर लाइन है, मतलब मार्केट आज को यहाँ पर शुरू हुआ है। फर्स्ट सुबह को यहाँ पर एक सेल का कॉल दिया था, लाइन थोड़ा सा बाद चेंज हुआ, तो लाइन चेंज होने का बाद ही आपको पोजीशन क्रिएट करना है। और उसका बाद देखिए, अभी तक मार्केट में जो ट्रेंड है टोटली डाउन ट्रेंड है, इतना पिप्स आप ऑलरेडी निकाल लिए हैं। यहाँ पर राइट साइड में आपको शो कर रहा है जिस मोमेंट में कितना परसेंटेज बायर्स है, सेलर्स है, ऊपर में आपका रियल टाइम वैल्यू भी अपडेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल स्कैल्पिंग एंड ट्रेंड रिवर्सल का ऊपर बेस करके काम करेगा, नॉट ओनली फॉर फॉरेक्स, इसमें आप इंडियन मार्केट में भी काम कर सकते हैं। तो चाहे आप कैश हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो या फॉरेक्स हो, सबके लिए सॉफ्टवेयर अच्छा काम करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल एक इंडिकेटर है जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और उसका साथ साथ स्कैल्पिंग का हिसाब से सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा, ऑब्वियसली कमेंट करके बोलिए। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस मार्केट रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियोज़ अगर देखना है तो वीडियो का नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है। और भी कुछ वीडियोज़ देखिए, मन में जो भी डाउट है या क्वेरीज है, मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।